हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर्स में हम काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर, ट्रस और बीम के केस में काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी मेरा स्ट्रक्चर है वो कब स्टेबल होता है और वो कब वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे जितने भी लेक्चर्स बनाऊँ आपको सारा मिलता रहे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी मेरा स्ट्रक्चर है वो कब स्टेबल और कब अनस्टेबल होगा, इफ जब हमारा कोई भी इफ एफ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन ऑफ एफ वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन ऑफ एफ एम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये मेरा कंडीशन फुलफिल करे कोई भी स्ट्रक्चर, तो ये मेरा हो जाएगा अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब मेरा कोई भी स्ट्रक्चर हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। तो मेरी स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अनस्टेबिलिटी, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी और इंटरनल इंटरनल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। हम किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी और किसी भी स्ट्रक्चर को इंटरनल अनस्टेबिलिटी कब बोलते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ये अगर इस पर अगर हम फोर्स अगर हम इस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बीच से टूट के ये स्ट्रक्चर आगे चला गया, इन केस अगर ये आगे चला गया इस स्ट्रक्चर को तोड़ के, तो इस केस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। और या फिर यहाँ पे अगर कोई मेरा स्ट्रक्चर है, तो ये तोड़ के नहीं, अगर हम इस पे फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ से एफ फोर्स, तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। बट ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं इंटरनल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा कोई पॉइंट बी है, ठीक है, यहां से मेरा लग रहा है पी फोर्स, यहाँ से डिस्टेंस है 3L/4 और यहाँ से है ये L/4, ठीक है। तो अगर हम इसमें समेशन ऑफ एम अबाउट बी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो वो वैल्यू मेरी आ जाती है पी इंटू 3L/4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़े थे कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड सिग्मा ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। या फिर एक तरह से यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये मेरा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अगर हम इसमें अगर हम इसको इस तरह अटैच रहेगा, तो ये चुपचाप सीधा सीधी यहाँ से क्या करेगा, ये नीचे ही चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी देखने से पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर है मेरा अनस्टेबल है, ठीक है। आइए कुछ हम नोट लिखते हैं, नोट, ठीक है। ऑल द रिएक्शन एक्टिंग इन अ स्ट्रक्चर आर
concurrent, then moment will not be satisfied. ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा बोल के रखा है, ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग इन अ स्ट्रक्चर आर कंकरेंट देन मोमेंट इक्विलिब्रियम विल नॉट बी सेटिस्फाइड. ठीक है, जब मेरा कोई भी रिएक्शन है और उसका अगर जो रिएक्शन का लाइन ऑफ रिएक्शन जो फोर्स होगा मेरा, ठीक है, वो अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाएगा तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होगा. ठीक है, आइए देखते हैं. ये मिला यहाँ, मेरा रोलर सपोर्ट है यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से ये भी रोलर सपोर्ट है. ठीक है, तो इसका जो जो रिएक्शन लगेगा मेरा, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन पे जाएगा आगे, अगर हम इसका लाइन ऑफ फोर्स को आगे बढ़ाते हैं तो. ठीक है, इसका अगर हम बढ़ाते हैं लाइन ऑफ फोर्स तो ये आगे चला जाएगा यहाँ पे, और अगर हम इसका अगर आगे तक निकालते हैं तो ये यहाँ तक जीरो चला गया. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल गया, एक पॉइंट पे, तो ये हो गया कॉन्करेंट कंकरेंट पॉइंट. ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है मेरा वो होता है अनस्टेबल. ठीक है, ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट है, इफ ऑल द रिएक्शन, इफ ऑल द रिएक्शन फोर्सेस आर पैरेलल देन स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल. ठीक है, तो यहां से अगर ये मेरा रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है. ठीक है, अगर मेरा इंक्लाइंड इस डायरेक्शन पे अगर मेरा पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इधर है रिएक्शन की, इसकी रिएक्शन की डायरेक्शन इधर है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी रिएक्शन की डायरेक्शन वर्टिकल, तो तीनों जो फोर्स है इस सब का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल अनस्टेबल. ठीक है, अगर हम इसी की बात करते हैं, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे अगर हम इसको हिंज सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकल ऊपर की ओर जाएगा. इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन का ऊपर जाएगा. इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर रिएक्शन जाएगा, बट इसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा जो फोर्स है वो पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ठीक है, एक और एक पॉइंट मेरा, इन केस ऑफ बीम्स एंड फ्रेम्स, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ थ्री हिंज इन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस विल रिजल्ट इन अ मैकेनिज्म फॉर. ठीक है, अगर इन केस, आइए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ बीम एंड फ्रेम द प्रेजेंस ऑफ थ्री हिंज इन कंटिन्यूअस विल रिजल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ फेल्योर. ठीक है, तो अगर ये मेरा कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम हिंज सपोर्ट लगाए हुए हैं, अगर यहाँ पे मेरा हिंज होगा,
एक पॉइंट यहाँ पे मेरा हिंज होगा और एक पॉइंट यहाँ पे मेरा हिंज होगा, ठीक है। अगर इस हिंज पे यहाँ पे अगर हम पी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इधर इस तरह इस शेप में ये बेंड कर जाएगा, तो इस शेप को बोलते हैं अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रस। कि मेरा कब ट्रस स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है, ठीक है। इफ डीएस और डीएससी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, देन मेरा जो ट्रस होता है वो होता है अनस्टेबल, ठीक है। अगर डीएसआई इज इक्वल्स टू नेगेटिव, इसका मतलब होता है इंटरनल अनस्टेबल। इफ टीएस इज इक्वल्स टू जीरो, देन नो मेथड फॉर चेक द स्टेबिलिटी, ठीक है। डीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर डीएस का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ जाता है तो वो मेरा क्या हो गया, ट्रस्ट अनस्टेबल, ठीक है। अगर डीएसआई की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो मेरा क्या हो जाता है, इंटरनल अनस्टेबल, ठीक है। इसको हम केवल अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम इंटरनल अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है। इफ डीएस की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि उस स्ट्रेस का स्टेबिलिटी को हम फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।